नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से पहले ही राज्यों में आगामी अनलॉक की गाइडलाइंस जारी कर दी है। ऐसे में अनलॉक का ये चरण राज्य में 20 सितंबर तक चलेगा, लेकिन ये केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा। दूसरी ओर लोगों की बड़ी राहत देने वाली बात यह है कि राज्य के अंदर बस संचालन की सशर्त अनुमति दे दी गई है। शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, स्पा को केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार खोल दिया गया है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत भी शर्तों के साथ की गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में अब तक बंद रखी गई कपड़े जूते की दुकानों को भी खोल दिया गया है। इसके अलावा सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। शुक्रवार की देर रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बाबत आदेश जारी किया, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मेरी अपील है कि सरकार नियमों का सख्ती से पालन करे और मुंह पर मास्क का उपयोग करना बेहद जरूरी होगा। ऐसे में सीएम ने यह भी लिखा है कि आपस में दूरी बनाएं मगर दिलों को जरूर जोड़े रखें। अनलॉक गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि सितंबर के महीने में कई परीक्षाएं हैं, इसमें बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनके अभिभावक भी साथ होंगे। ऐसे में उन्हें यात्रा, उनके रहने, उनके खाने की दिक्कतों का सामना उन्हें न करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने जारी लॉकडाउन में कई छूट देने जारी।